कुछ महान लोगों को लगता है कि उनकी ताकत उनके शरीर में है, या फिर चार पांच कुत्ते पाल लिए तो समझेंगे कि उनकी सुरक्षा कड़क है। जिनके लिए भैंस बड़ी होती है उनके लिए अक्कल बहुत ही छोटी होती है। ऐसी निर्बुद्धि का चुनाव अक्सर भयंकर अंजाम लाता है। ठीक ऐसा ही मेरी कजन ज्योति के साथ हुआ, जिसने अपनी ज्यादा बुद्धि का उपयोग करके जंगल में एक घर ले लिया। दबंग लड़की होने से कुछ नहीं होता, ये बात उसे जल्द ही पता चलने वाली थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई विरार का किस्सा है। मेरी कजन ज्योति जो डिवोर्स के बाद उसने विरार में जंगल में एक घर ले लिया। जो उसका घर था ना, उसके आजू बाजू कोई भी घर नहीं थे, सिर्फ उसी का घर था। और पूरा एरिया जो था ना, वो जंगल ही जंगल था। उसके घर में तो कई बार सांप निकलते थे। वो क्या करती थी, बहुत बार तो वो सांपों को मार डालती थी, और कई बार क्या करती थी, सांप को पूंछ से उठाती थी और दूर जाकर फेंक देती थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए चार अल्सेशियन डॉग्स पाल के रखे थे। उसने डॉग्स के लिए ना अपने घर के बाहर एक छोटा सा घर बनाकर रखा था, क्योंकि वो सुबह जॉब पर जाती थी। तो वो जब जॉब पर जाती थी ना, तो वो क्या करती थी, डॉग्स के लिए जो भी खाना पीना रहता था वो घर के बाहर ही रखकर जाती थी, ताकि जो ये डॉगी है ना वो उसके घर की रखवाली करे। तो ऐसा वो करती थी। मेरी कजन जब जॉब पर जाती थी ना, आपको तो मैंने बताया कि वो जंगल में रहती थी, तो उसको जंगल का रास्ता क्रॉस करना पड़ता था। तो जैसे वो रास्ता क्रॉस करती थी ना, तो उसके साथ उसके डॉग्स भी जाते थे। जब वो मेन रोड पर आ जाती थी तो डॉग्स को बोलती थी, चलो अब हो गया, अब तुम लोग अपना घर पर जाओ। तो डॉग्स उसकी बात मानकर सीधा घर पर आ जाते थे और पूरा दिन घर की सुरक्षा करते थे। और यही उसकी डेली लाइफ थी, बस ऑफिस जाना, डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करना, और उसका कुछ भी नहीं था, यही उसकी लाइफ रूटीन थी। उसको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन क्या हुआ, मेरी कजन को ना कुछ घर का सामान लेने के लिए मॉल में जाना था। उसने सोचा कि चलो मॉल में जाती हूँ, थोड़ी घर की चीजें परचेज करके आ जाती हूँ। जैसे अब मैं मॉल में घूम रही है ना, विरार मॉल में घूम रही है, तो वो लोगों से बातें सुन रही है कि ये जो मॉल है ना, ये कब्रिस्तान पर बना हुआ है और अक्सर यहाँ पर भूत देखा गया है। लोग आपस में ना ऐसे बातें फुसफुस आ रहे हैं एक दूसरे के कानों में। अब ये बात मेरी बहन के कान में पड़ गई, तो मेरी बहन ने सोचा क्यों ना उस भूत से मिला जाए। अब मेरी बहन ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो स्पेंड किया उसने मॉल में किया। ऑलमोस्ट रात होने आई तो उसने सोचा अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे तो भूत वगैरह कोई यहाँ पर मिला नहीं है, तो फाइनली घर चली जाती हूँ। मेरी बहन घर में गई, उसने डॉग्स को खाना वगैरह खिलाया, पानी वगैरह पिलाया, और उसने सोचा चलो सोने से पहले थोड़ा टीवी देखा जाए। अब मेरी बहन टीवी देखने जा रही है तो उसको ना डॉग्स की आवाज़ आ रही है, जो कि ऐसा कर रहे कू कू कू। तो मेरी बहन बोलती है इनको क्या हो गया, पहले तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया है, चलो देखती हूँ क्या हुआ है। जब वो जाकर देखती है ना, तो घर के अंदर चार डॉग्स के बजाय दो ही डॉग्स होते हैं। तो वो देखती है, इधर उधर देखती है कि हो सकता है डॉग्स कहीं इधर उधर होंगे। वो पूरा घर छान मारती है, उसको सिर्फ दो ही डॉगी दिखाई देते हैं। दो डॉगी कहाँ चले गए उसको पता ही नहीं चलता है। मेरी कजन अभी बहुत परेशान होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे मेरे डॉगी घर से बाहर जा सकते हैं, वो तो रात के टाइम पर कभी घर से बाहर निकले ही नहीं है। अब ये सोचते सोचते मेरी अभी कजन ने क्या किया, टीवी ऑन कर लिया, सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। जैसे वो सोफे पर बैठ के टीवी देख रही है ना, तो पीछे से कोई क्या कर रहा है, एक हाथ ऐसे आके ना उसके बालों को थप देने खींच लेता है, और मेरी कजन एकदम चौंकती है और फट से पीछे टर्न करती है। जैसे वो पीछे टर्न करती है ना, तो देखती है कोई भी नहीं है। तो मेरी कजन गुस्से से बोलती है, ओए कौन है, जो भी हिम्मत है सामने आए, पीछे से वार क्या करता है, हिम्मत है ना सामने आके कर, हाथ भी नहीं लगा पाएगा, हाथ काट डालूंगी तेरे में, सामने आ। तो मेरी बहन ऐसा डांटती है और पूरा आजू बाजू साफ घर चेक करती है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। फाइनली मेरी सिस्टर क्या करती है, अभी सो जाती है। अब सो जाती है, दूसरे दिन फिर उसके जो लाइफ रूटीन रहती है वैसी वो करती है, कुत्तों को खाना खिलाना, आना जाना उसका वैसे ही था। दूसरे दिन क्या हुआ, अब मेरी बहन है ना खाना खा रही है, जैसे वो खाना खा रही है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि कर्टन के पास है ना एक हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई हाथ कर्टन पर घुमा रहा है, उसको हाथ दिखाई भी दे रहा है। तो मेरी बहन क्या करती है, फटाफट ना किचन में से छुरी उठाती है, थप देने जब कर्टन खोलती है, फट देने उसने कर्टन खोला तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो मेरी कजन बोलती है, लगता है मजा नहीं आया तुझे, मेरी वार्निंग से तुझे सबक नहीं मिला, अब देख तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथों में ना पकड़े तो मेरा नाम बदल देना, हिम्मत है ना सामने आ,
देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, एक सेकंड में तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। ऐसा मेरी कजन बोलती है, उसको फिर भी कोई दिखाई नहीं देता है। मेरी कजन बोलती, हो क्या रहा है, दो दिन से अजीब सी हरकतें हो रही है, मेरे दोनों डॉगी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कर्टन में से मतलब पर्दे में से ऐसे ऐसे हाथ आ रहा है, चल क्या रहा है। वो अपने मन में ऐसी ही बातें सोचती है। फिर अभी क्या होता है, तीसरा दिन आता है। जब तीसरी रात आती है ना, तो अभी वो सोने के लिए जाती है, तो वो क्या करती है, जितने भी घर के पर्दे वगैरह होते हैं वो सब बंद कर रही है, विंडोज बंद कर रही है। जैसे वो विंडोज बंद करने जा रही है ना, रात का टाइम है और जंगल एरिया था, उसको एक बहुत लंबी परछाई दिखाई देती है जो कि आदमी जैसी लगती है लेकिन आदमी नहीं है, क्योंकि जो उसका मुंह है ना, वो उसका मुंह उसकी बॉडी से भी लंबा है, बहुत बड़ा उसका मुंह है, अजीब सा भेड़िए के जैसा मुंह दिखाई दे रहा है, वो आदमी कम और भेड़िया ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत हॉरर टाइप उसका मुंह उसको नजर आ रहा है। तो मेरी बहन क्या करती है, फट से कर्टन बंद कर देती है। मेरी बहन कर्टन बंद करती है, वो सोच रही है कि क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आदमी होता तो इतनी लंबी हाइट कैसे हो सकती है। ये सोचते सोचते मेरी बहन अभी सो गई। अगले दिन क्या हुआ, मेरी बहन ऑफिस में गई। जैसे वो ऑफिस में गई ना, तो ऑफिस वाले बोलते हैं, किधर थी तू इतने दिन, कुछ बता तो सही, छुट्टी ले रही है कि नहीं ले रही है, कुछ बता तो सही, हमको कुछ पता ही नहीं है तेरा, इतने दिन कहाँ थी। तो मेरी कजन बोलती है, इतने दिन, मैं तो दिल्ली आ रही हूँ। बोले, क्या बोल रही है, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह है क्या, सर पर बुखार तो नहीं चढ़ गया है। तो मेरी बहन बोलती, अजीब बात कर रही है, मैं डेली ऑफिस आती हूँ और बोल रही इतने दिन। बोले, हाँ तुझे 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से तो ऑफिस में नहीं आ रही है। तो मेरी कजन ना बड़ी परेशान हो जाती है। मेरी कजन मुझे ना ऑफिस में ही फोन लगाती है और सारी बात बता देती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने मेरी कजन को बोला, ठीक है तू ना तेरा एड्रेस मुझे दे, मैं आती हूँ। तो मेरी कजन ने मेरे को एड्रेस बताया और बोला कि तुझे ना जो मेन रोड है वहाँ पर उतर कर थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा, बस उसके बाद मेरा घर आ जाएगा, तू आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है। अब मेरी कजन को ठीक नहीं लग रहा था, मेरी कजन घर पर गई। जैसे मेरी कजन घर पर गई है ना, तो उसके जो डॉगी खोए हुए थे ना, वो डॉगी घर पर आ जाते हैं, और वो जो डॉगी है ना बहुत डरे हुए सहमे से हैं और अजीब सा कांप रहे हैं, ऐसे कांप रहे हैं और ऐसी आवाज निकाल रहे हैं। मेरी कजन को बहुत घबराहट हो रही है कि क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा करते करते अब मैं पहुंची, मैंने मेरी कजन को बोल दिया था कि मैं मीरा रोड में रहती, मैंने उसको बताया हुआ था, तो मैं अभी गई। जैसे जैसे उसने मुझे रास्ता बताया था ना, मैं अभी क्या किया, मेन रोड पर उतरी और उसने मुझे बताया था कि एक पतला सा जंगल में से रास्ता आएगा, तो उसमें से आ जाना, बस थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा। अब बाबा मैं तो चलते चलते थक गई, इतना लंबा रास्ता, इतना भयानक रास्ता था, मैं क्या बताऊं, मैंने भले इतने भूत प्रेत निकाल दिए थे, फिर भी मुझे ना उस रास्ते पर चलते हुए बहुत डर लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, भूत प्रेत हो या ना हो, यहाँ पर चोर डाकू होंगे तो क्या होगा, वो तो इंसान को लूट कर मार कर चले जाएंगे, यहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये पागल है क्या, साइको है, कैसे एरिए में रहती है। अब ये मैं पूरी बातें मन ही मन में सोच रही हूँ और फाइनली मैं उसके घर पर गई। उसका घर का दरवाजा पूरा खुला था और कुत्ते ना रो रहे थे, दिन के टाइम में कुत्ते रो रहे हैं, एंट्रेंस में ही कुत्ते रो रहे हैं। तो मैंने बोला, ये तो अजीब एंट्री हुई, मेरा अजीब स्वागत हुआ कि कुत्ते रो रहे हैं। अब मैं उसके घर पर गई ना, वो बेड पर बैठी है और जैसे बेड पर बैठी है, उसका फेस ऐसा था, उसने मुझे ऐसा टर्न करके देखा, जैसा उसने मुझे टर्न किया ना, तो मैं समझ गई। मैंने बोला, ए शाने, क्या करने आया यहाँ पर, निकल बाहर, अभी का अभी निकल। तो मेरी बहन ने क्या किया, मैंने उसको ऐसे कर फट से पकड़ लिया, मैंने बोला निकल जा बाहर इसके शरीर में से, तुझे मैं वार्निंग करती हूँ। अब मेरी बहन थप दिन बैठ के पीछे गई और हवा में उड़ने लग गई, हवा में उड़ रही है और हंस रही है, और जैसे हंस रही है, मैंने बोला बहुत हंसी आ रही है ना तुझे, नरकी आग में धकेलूं, बहुत शौक है ना तुझे नरकी आग में जाने का, छोड़ो इसको अभी का अभी, मेरी कजन को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे सीधा नरक की आग में भेज दूंगी, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, ये लास्ट टाइम तुझे वार्निंग कर रही हूँ। तो मेरी बहन थप दिन बेड पर गिरी और बेहोश होगी, जैसे बेहोश हुई मैंने किचन में से पानी लिया, मैंने भी थप देने उसके मुंह पर मारा, होश में ही तो बोलती है, हाँ तू कब आई, मैं सो गई थी क्या। तो मैंने बोला, बोलती है सो गई थी क्या, मैंने बोला हाँ तू सो गई थी। तो बोले, अच्छा फिर कोई पता ही नहीं चला तू कब आई, मैंने बोला काफी टाइम हो गया है मुझे आए हुए। तो बोले, अच्छा अच्छा, मैंने बोला मुझे भूख लग रही है और मेरा ना चाय पीने को मन कर रहा है, तू चाय बना सकती है। तो बोलती, हाँ ठीक है मैं चाय बनाती हूँ। मैंने चाय पी कर उसको बहुत डांटा, मैंने बोला तुझे ये जगह मिली थी जंगल जैसे में, हाँ पूरी मुंबई में तुझे घर नहीं मिला, इधर ही मिला,
सुकून वाली जगह पर घर लेना चाहती है, क्या मुंबई में और जगह सुकून नहीं है, ऐसे फालतू एरिया में लेके बैठी है। तो मेरी कजन ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मेरी डांट सुनती रही। और मैंने भी उसको फिर ज्यादा नहीं बोला, मैंने अपना चाय पिया और मुझे पता चल गया था कि जो उसके अंदर आया था वो दानव था, जिसको पिशाच भी बोला जाता है। तो वो दानव उसकी बॉडी में से अभी निकल गया था और मैंने डेली अपनी कजन को फोन किया। मेरी कजन अब बिल्कुल ठीक थी। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। हर चीज का तोड़ है जगत में, कौन किस खेत की मूली है, बाप है सभी का बेटा ऊंचा ना बोलो, ये सोच ही बंदूक की गोली है।